We have now an exclusive conversation by ITV Gold's very own Mr. Ashok Vyas with Indian author Suresh Chandra Mishra. The discussion featured Mr. Mishra's book Ittehaas Ke Aine Mein Hanuman Charitra a book on Hindu god Hanuman with intensive research. Referred to as Lord Hanuman, he is one of the central characters of Hindu epic Ramayana and is a devotee of Hindu god Ram. Described as the son of Pavan, the Hindu god of wind, Hanuman is known for his extraordinary strength and loyalty. The discussion between Mr. Vyas of ITV Gold and author Suresh Chandra Mishra reflected on much of Lord Hanuman's impact and significance for followers and supporters of Hinduism. Here is a segment of the conversation. <laughs> संस्कृति के आईने में हनुमत चरित्र सुरेश चंद्र मिश्रा जी ने इसमें हनुमान जी के चरित्र या हनुमान जी के बारे में वो किस तरह से उनका चरित्र हम सबके लिए एकदम व्यावहारिक दृष्टि से उसका महत्व है और जो संस्कृति के आईने में जब शब्द आपने प्रयोग किए हैं तो आपकी लेखनी का जो कमाल है वो पाठक उससे चमत्कृत विस्मित और प्रभावित और प्रेरित हुए बिना रह नहीं पाते हैं इससे पहले कि मैं आपको निवेदन करूं कि हम उस पुस्तक के बारे में चर्चा करें पहले तो मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें नमस्कार और आभार के साथ में इससे पूर्व भी आपने अलग अलग विषयों विशे पर विशेष करके आप हिस्ट्री से संबंधित हैं आपने पढ़ाई भी है रिसर्च भी किया है ये तो मैं आपकी पुस्तकें कुछ हमारे दर्शकों को कुछ दिखा देना चाहता हूँ और ये अभी तक रिलीज नहीं हुई है वो आपका सौभाग्य कि आप अभी देख एन बी टी से जी और ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की है क्वेस्ट फॉर स्वराज हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ अ नेशनलिस्ट प्रिंस इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे इसमें भी बहुत रोचक बातें हैं और ये नेशनल मूवमेंट इन अ प्रिंसली स्टेट ये भी आपकी पुस्तक है ये कौन सी स्टेट के बारे में ये भरतपुर भरतपुर के बारे में और वो राजा भी भरतपुर के हैं है। तो भरतपुर के साथ आपका विशेष संबंध होने के साथ साथ मराठों का इतिहास भी आपने लिखा है और हमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि मराठों का और राजस्थान का क्या ऐतिहासिक रूप से संबंध है जो इस पुस्तक में पता लगता है एक ये स्टडी सिक्स ऑफ गंगानगर ये भी स्टडी आपकी है तो इन पुस्तकों के साथ साथ एक पुस्तक जो हमें ऐसा लगता भी है कि ये तो काफ़ी पहले की किताब किताब होगी नाइनटीन 1981 में यह प्रकाशित हुई किताब है सिंधिया होलकर राइवलरी इन राजस्थान और आप जानते हैं कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थी वो भी इस परिवार के साथ संबंधित थी और ओमान आप गए थे वहाँ इस पुस्तक में भी आपका एक लेख है पर इन सबका उल्लेख करते हुए फिर एक बार आपको बधाई और धन्यवाद देते हुए कि ये जो एक संपदा है हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो आपने अपने शोध के माध्यम से और प्रस्तुत किया तो इतना अधिक परिचय देने के बाद में मैं एक अलग व्यक्तिगत निवेदन से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ आप अपनी कोई ऐसी कविता जो आपको याद रहती है उससे हम शुरू करें कवि के रूप में भी आपकी ख्याति भी है और आपका वो प्रेम है शुरू की कविता मेरी ऐसी है जिसमें कि मैं आ थका हारा हूँ और फिर मैंने अपने अंदर का जो नैराश्य भाव है उसको नियंत्रित करते हुए अपनी स्वाभिमान और स्वावलंबन की रक्षा करते हुए कुछ कविताओं का सृजन किया तो आ, मैं आपसे निवेदन करूँ कि आपका ये जो संकलन है बात मेरे अंतर मन की इसमें एक कविता ऐसी है जो बात अभी आप कह रहे थे उसके साथ कहीं मिलती जुलती है यदि आप इसके दो छंद सुनाने का निवेदन स्वीकार करें मुझे इसकी एक प्रश्न मांगना मत भीख तुमरे प्यार की मैं मांग नहीं सकता और वो अंदर इतना स्वावलंबन घुसा हुआ है मेरे अंदर आ, कुछ मैं समय की गोद में पल जाऊंगा या व्यथा की अंक में सो जाऊंगा पर न मांगूंगा किनारा लहर से और न कायर मुक्ति लूंगा जहर से वाह वो जो जज्बा है मैं समय की गोद में पल जाऊंगा उसमें मुझे कोई प्रेम करे न करे मुझे कोई मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं तो मेरे माता पिता का मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं किसी से नहीं मांगूंगा और कुछ उसी भाव को इसमें एक लिरिक फॉर्म में कि प्यार तो मिलता नहीं है याचना से और थप थपी मिलती नहीं है वंदना से कि प्यार की भाषा सदा ही मौन रहती और नेह की सरिता स्वयं चुपचाप बहती एक छंद और सुनाऊंगा कि वंदना याचना या तो दीन करते कि वंदना याचना या तो दीन करते अरे प्रार्थना अभ्यर्थना तो हीन करते अरे जो बिना मांगे मिले वह प्यार होगा जो बिना मांगे मिले अधिकार होगा क्या बात मैं समय की गोद में पल जाऊंगा प्यार की भाषा सदा ही मौन रहती और नेह की सरिता स्वयं वाह 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 क्या बात है नेक की सरकार स्वयं चुपचाप बैठी और